तो यहाँ पे मैंने ये एक मैचिंग स्टिक ली हुई है, मैं इसको बर्न करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने इसमें लगा दी है और मेरी ये रेड लेजर जो मैंने पॉइंटेड सेट किया है, इसको मैं इस पे लगाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारी मैचिस्टिक बर्न होती है। तो आप देखेंगे कि बर्न हो गई है। तो सारा जो प्रोसेस है, इसका जो फोकस सेट करने का प्रोसेस है, वो हमारा है मेन, कि हम कितना अच्छा इसका फोकस सेट कर लेते हैं। जितना अच्छा हम फोकस इसका सेट कर लेंगे, उतना ही अच्छा ये वर्क करेगा। और जितनी दूर पे हम इसका फोकस सेट करेंगे, उतनी दूर पे ही ये बर्न करेगा। अगर उससे पास करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये बर्न नहीं करेगा। आपको फिर से दिखाते हैं एक बार चेक करके। आप देखिए कि मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो ये हमारा मैजेस्टिक बर्न नहीं होगा। और ये थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है, ये बिल्कुल एडजस्टमेंट करेंगे हम तो ये बर्न कर देगा। अभी इसका फोकस जैसे ही मैंने सेट किया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी मैजेस्टिक बर्न हुई है। इसी तरह से इसको हम जो गुब्बारे होते हैं, बैलून्स होते हैं, बैलून्स को भी पॉपअप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि मैंने कुछ पहले से सारा कुछ करके नहीं रखा है। तो मुझे अभी बैलून फुला के और सारा कुछ करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ। दिया है, अब मैं इसमें अपना लेजर डायोड चालू करके इसमें लगाता हूँ और सेट करने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे आप कि ये बैलून जो है, ये पॉपअप हो गया है। मैं एक बार और आपको ये करके दिखाता हूँ। और ये मैंने दूसरा बैलून ले लिया है, इसको भी मैं पॉपअप करके दिखाता हूँ। जिस तरीके से मेरा पहला बैलून पॉप हुआ था, उसी तरीके से मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे कि ये मैंने इसको एक्टिवेट किया और ये तुरंत पॉपअप होता है। तुरंत का तुरंत पॉपअप, मतलब इसका इतना